गाइज मैं आ चुकी हूँ आज फ्रैंकलिन के घर पे। चलो ढूंढते हैं फ्रैंकलिन को कहाँ है, और चलो नीचे चलते हैं देखते हैं फ्रैंकलिन को और बताते हैं कैसे हमारे ऊपर पुलिस केस लगा और कैसे हमें फ्रैंकलिन की हेल्प से पुलिस केस को हटवाना है। चलो चलते हैं अंदर और ढूंढते हैं फ्रैंकलिन को कहाँ है। और फ्रैंकलिन तो मुझे देख के चौंके जाएगा क्योंकि मैं अपने घर जाने वाली थी और मैं रास्ते में मुझे गॉडजिला मिला जिस वजह से मैं जा नहीं पाई। तो चलो चलते हैं और बताते हैं फ्रैंकलिन को पूरी बात। फ्रैंकलिन तो ये रहा। अरे है ना, तू फिर आ गई मेरे घर पे, तू तो चली गई थी यार, क्या हुआ, कोई गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत हुई तो बता मेरे को। अरे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं अपने घर जाने वाली थी, रास्ते में गॉडजिला मिल गया और जिसकी वजह से मैंने रेड हल्क को अपनी हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन रेड हल्क बड़ा तेज निकला, मुझे आधे रास्ते में छोड़ के भाग गया। और फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे खुद को बचाया और फिर मैंने रेड हल्क को ढूंढा और उसकी खूब धुलाई करी, और फिर मैं और मेरे ऊपर लग चुका है पुलिस केस, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर दोबारा वापस आई हूँ पुलिस केस हटवाने, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँ। अरे ये सब हो गया यार, है ना, तू मेरे को पहले बता देती, कॉल वॉल कर देती, मेरे पास मेरा नंबर नहीं है तेरे पास। अरे कॉल तो मैं कर देती, लेकिन रेड हल्क ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मैंने रेड हल्क को कॉल किया सबसे पहले, लेकिन वो बहुत तेज निकला। अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे जाना अपने घर और कार मैं ही चलाऊंगी आज। अरे ठीक है यार, तू ही ड्राइव कर लियो, चल बाहर चलते हैं फटाफट से। तो गाइस मैं बाहर तो आ गई हूँ और ये रही हमारी कार, और अब मैं इस कार को चलाऊंगी और हम जाएंगे अपने घर दोबारा से वापस, और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार, और इस बार मैं अपने घर सही सलामत पहुंच जाऊं। तो चलो चलते। अरे यार है ना, देख ले यार सही से चलियो, तू गाड़ी बहुत ठुकती है और ये मेरी एक ही गाड़ी है मेरे पास, अगर ये ठुक गई ना तो देख लियो भाई, मैं तो तेरे से पैसे लेने वाला हूँ इस गाड़ी के। अरे तू टेंशन मत ले, जितने भी तेरा नुकसान होगा मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगी, वैसे तो नुकसान होगा नहीं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइव करती हूँ, अभी तूने मेरी ड्राइव देखी कहाँ है ये देख। अरे हाँ ठीक है, अब बन गए तेरे 400-500 हज़ार रुपए बन चुके हैं, फटाफट से दे दियो। अरे यार क्या हमेशा फालतू की पैसों की बातें, ये सब छोड़ और मुझे जाना अपने घर। अरे गाइस फाइनली यार ये एकदम बहुत टाइम बाद ये खुली सड़क मिली है, मजा ही आ गया इस खुली सड़क में तो। अरे ये क्या सामने रेड हल्क? आओ आओ है ना, पिछली बार तुमने मेरे को बहुत गंदी तरह से मारा था ना, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन आज मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ है ना, बहुत गंदी तरह से मारूंगा तुझे। अरे आओ आओ फ्रैंकलिन, तुम भी हो गए साथ में, तुम भी पिटोगे आज तो। अरे क्या बोलने जा रहा है ये हल्क, है ना, क्या बोलने जा रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कल मैंने इसे बहुत गंदी तरीके से मारा था। हाँ हाँ है ना, आज उसी गंदी तरीके से मैं तेरे को मारने वाला हूँ, और तेरे दोस्त फ्रैंकलिन को भी बहुत गंदी तरह से मारूंगा। अरे है ना, मैंने तो तेरे को मारा ही नहीं, तेरे साथ ये क्या हो गया? अरे है ना तेरे को क्या हो गया ये? अरे है ना को क्या हो गया? अरे है ना कुछ भी हुआ, आज तेरे को जान से मार दूंगा, ले फ्रैंकलिन के बच्चे ले, है ना, आज छोड़ूंगा नहीं तुमको, बहुत गंदी तरह से मारूंगा, है ना, कल तूने मेरे को बहुत गंदी तरह से मारा था याद है, आज नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही इसका पिटने से पहले इसका रंग रूप अलग हो गया, ये ले है ना खा, ये ले, क्या हुआ है ना, मर गई क्या? हाँ चलो सही है मरी गई, ये ले अभी इसके फ्रैंकल दोस्त को भी मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चलो है ना तो गई, अब फ्रैंकल को पकड़ता हूं, फ्रैंकल को भी मारूंगा। हाँ ये रहा फ्रैंकल, ओ फ्रैंकल बोल, ज्यादा फालतू बोलता है ना तू, ये ले घुसा का, अभी रुक जा, अभी रुक, तेरे को बताता हूँ ना मैं, तू पड़ा हुआ है नाटक कर रहा है ना, ये ले घुसा का। अरे हल्क छोड़ दे मेरे को, हाँ हाँ नाटक कर रहा था मरने का, छोड़ूंगा तो नहीं, ये ले घुसा का, ये ले लात का। हाँ फाइनली मजा आ गया, दोनों को मारा, ये ले और खा थोड़े से घुसा। हाँ बहुत मारा था ना हैना ने, अब दोनों में से कोई भी मेरे से फालतू नहीं बोलेगा क्योंकि दोनों मर चुके हैं, चलो सही है अपना तो मजा आ गया। अरे गाइस यार मेरी तो बहुत हालत खराब हो चुकी है, गाइस ये हल्क आया था और इसने मेरे को और हैना को बहुत गंदी तरह से मारा, और हैना पता नहीं कहाँ चली गई है। गाइस यार हैना को भाई पिटने से पहले पता नहीं गाइस उसके रंग को क्या हो गया था, वो एकदम से पूरी व्हाइट हो गई थी, और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरी तो हालत काफी खराब है, और गाइस हैना मेरे को ऐसा लग रहा है मर ना गई हो यार, ढूंढना पड़ेगा मेरे को फटाफट से, ढूंढता हूँ गाइस, मैं तो जिंदा हो गया लेकिन हैना मेरे को कहीं भी नहीं दिख रही है। और गाइस यार काफी टाइम हो चुका है यार, मेरी भी हालत काफी खराब है और गर्मी बहुत हो रही है, तो गाइस मेरे को प्यास भी लग रही है, और गाइस मैंने पूरा ये जंगल छान मान लिया लेकिन मेरे को कहीं पे भी हैना नहीं दिखी है। अब गाइस मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, गाइस मेरे को हल्क से काफी बदला लेना होगा, और गाइस मेरे को गॉडजिला से भी बदला लेना होगा क्योंकि यही दोनों जो थे हैना के पीछे पड़े हुए थे, तो गाइस यार इनसे तो जरूर बदला लूंगा, उसके लिए गाइस मेरे को टोनी स्टार्क के पास जाना होगा। सबसे पहले गाइस मैं अपने घर चलता हूं। हो गाइस यार अपने घर तो आ गया मैं जैसे तैसे, गाइस काफी मुश्किल हुआ यार घर आना, चलो कोई बात नहीं, एक बंदा मिल गया था उसने लिफ्ट दे दी थी। अब गाइस फटाफट से यार मैं टोनी स्टार्क को कॉल करता हूं क्योंकि गाइस अब मेरी टोनी स्टार्क की हेल्प कर सकता है, और गाइस ये मिला दिया यार मैंने टोनी स्टार्क को कॉल। अरे फ्रैंकलिन क्या हुआ, कैसे कॉल करा आज, कैसे याद कर लिया अपने दोस्त को? अरे यार टोनी स्टार्क मैं तेरे को क्या बताऊं यार, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे कैसे प्रॉब्लम, मेरे को बता यार, मैं हूँ तेरा दोस्त। अबे यार मैं क्या बताऊं यार, एक मेरी फ्रेंड थी हैना नाम की यार, उसे मार दिया यार रेड हल्क और गॉडजिला ने। अरे गॉडजिला और रेड हल्क ने? रेड हल्क तो यार हमारी एवेंजर्स टीम में, रेड हल्क कैसा कैसे कर सकता है? अरे यार उसने करा है यार, जल्दी तू आ जा बस। अरे टेंशन मत ले मैं आ रहा हूँ, तू बस मजे से रह। अरे गाइस यार जब तक ये आ रहा है यार टोनी स्टार्क मैं सो जाता हूँ। चलो फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन उठ जा, देख तेरा दोस्त आ गया यार, टोनी स्टार्क आ चुका है, उठ जा यार। फ्रैंकलिन क्या हो गया? अरे कौन है, सोनू तो बहुत थक रहा हूँ मैं।
अरे फ्रैंकल मैं आ गया यार। टोनी स्टार्क उठ यार, क्या हो गया तेरे को? अरे टोनी स्टार्क यार तू आ गया यार मेरे दोस्त यार, तुझे तो पता ही है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे हाँ तू चिंता मत कर, मैं आ चुका हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे टोनी स्टार्क यार फटाफट से मेरी हेल्प करो। देख फ्रैंकल यार मैं तो जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, जो कुछ तुझे संभालना होगा, लेकिन हाँ मैं तेरे को एक आयरन मैन का सूट देकर जाऊंगा जिससे तू एकदम सामना कर सकता है रेड हल्क का भी और गॉडजिला का भी, ठीक है? तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं तेरे को अभी फटाफट से एक आयरन मैन का सूट दे देता हूँ, तू उसे पहन लियो। फ्रैंकल तू एकदम सही पोजीशन पे खड़ा, तू इसी पोजीशन पे खड़ा रहा। फ्रैंकल तू एकदम सही पोजीशन पे खड़ा, इसी पोजीशन पे खड़ा रहा। और हाँ जब मैं तेरे को बोलूं आंख बंद करने के लिए, उसके बाद तुझे आंख नहीं खोलनी। अगर तूने अपनी आंख खोली तो देख तू मर भी सकता है, तो इस काम में काफी ज्यादा रिस्क है। लेकिन हाँ अब तू फटाफट से नीचे बैठ जा, ठीक है? बैठ नीचे और अपनी आंख मत खोलियो। हाँ तू नीचे तो बैठ चुका है, अब जब तक मैं ना बोलूं तू आंख मत खोलियो। बस अब मैं तेरे को बनाने वाला हूँ आयरन मैन का सूट और तेरे में सारी पावर आ जाएंगे। तू उड़ भी सकता है और तू काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तू सबसे लड़ सकता है। अरे गाइस यार मेरे को तो बिलीव भी नहीं हो रहा, अरे अब तू खड़ा हो जा। अरे गाइस सही में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, गाइस मेरे पास यार ये टोनी स्टार्क की शक्ति आ चुकी है सारी की सारी। अरे हाँ अब तो पूरा आयरन मैन बन चुका है, मैंने तेरे को अपना सूट दे दिया है। अरे अब तो मैं सबसे लड़ सकता हूँ गाइस, मजा के। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये मैं किसकी तरह चलूं यार, ये तो मैं लड़कियों की तरह चल रहा हूँ। अरे आयरन मैन यार ये कैसी पावर दे दी, ये मैं तो लड़कियों की तरह चल रहा हूँ। अरे यार ये मेरे जालविस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। चल एक काम कर तू मेरे को टच कर, मैं दोबारा से तेरे को ठीक कर देता हूँ। हाँ ये लो मैंने टच कर दिया, अब चल के देखता हूँ। और गाइस अरे वाह यार अब देखो गाइस मैं एकदम बॉय की तरह चलूँ, एकदम लड़कों की तरह चलूँ। चलो सही हुआ, ये तो सही हो गया। अब देख फ्रैंकल तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ मेरे को टच करना है, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा, उसके बाद तेरे को सामना करना होगा गॉडजिला का और रेड हल्क का। ठीक है मैं तुमको टच कर देता हूँ। और गाइस ये यार देखो यार टोनी स्टार्क कहाँ चले गया, मैंने सिर्फ टोनी स्टार्क को टच करा और टोनी स्टार्क कहाँ चले गया। चलो गाइस यार ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, अभी गाइस मेरे को बदला लेना यार गॉडजिला से और रेड हल्क से। गाइस सबसे पहले तो रेड हल्क को मैं बहुत गंदी तरह से मारूंगा, लेकिन गाइस मेरे को इस सूट को भी तो टेस्ट करना है, ये उड़ता कैसा है, इसके अंदर कितनी पावर्स है। जालविस मेरे को उड़ाओ। ओ वाओ यार गाइस मैं उड़ने लग गया, देखो यार कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है मेरे अंदर। जालविस मेरे को रेड हल्क के पास पहुंचाओ, जहां पे भी रेड हल्क होगा मेरे को वहां पे जल्दी से पहुंचा दो। और गाइस ये अब सूट मेरे को खुद ही यार रेड हल्क के पास पहुंचा देगा, ये काफी बढ़िया बात हो गई। और यहीं कहीं पे होना चाहिए यार रेड हल्क, गाइस इसी पहाड़ी पे होगा रेड हल्क, मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसको। अरे यार काफी टाइम हो चुका है मेरे को तो यार, दिख गया गाइस दिख गया। आओ कौन हो तुम? अरे मैं हूँ फ्रैंकल। अरे फ्रैंकल अभी तेरे को तो मारा था, तू जिंदा रह गया, चल कोई बात नहीं सही टाइम पे आ गया, अब तेरे को मैं और मारूंगा। अरे तू कैसे मारेगा, तुझे दिख नहीं रहा मेरे पास कितना बढ़िया सूट है? अरे ये सूट काम भी करता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है तूने सिर्फ अपने हाथों से बनाया ये। अरे मैंने हाथों से नहीं बनाया, टोनी स्टार्क ने मेरे को खुद दिया ये सूट। अच्छा अरे अरे फ्रैंकल छोड़ दे आज तेरे को जिंदा मार दूंगा, ये ले। अरे फ्रैंकल तूने तो पहाड़ से गिरा दिया मेरे को। अरे पहाड़ से अभी तो तेरे को पूरी जहां से गिरा दूंगा मैं। अरे गाइस ये क्या हुआ मेरे साथ, चलो बच गया। और ये है कहां यार, देखना पड़ेगा उड़ के। और यहां पे तो गाइस ये दिख गया ये रहा। फ्रैंकल छोड़ दे, देख तू तो मेरा दोस्त है, ये ले। यस गाइस इसके अंदर आग लग चुकी है, गाइस देखो रेड हल्क के अंदर आग लग चुकी है और अब रेड हल्क फाइनली यार मर चुका है। चलो गाइस एक बंदे से तो बदला मैंने फाइनली ले लिया, अब जाना है गाइस मेरे को गॉडजिला के पास और उससे बदला लेना यार अपनी हैना का, क्योंकि गाइस हमारी हैना को इन दोनों ने ही मारा है। चलो कोई बात नहीं फटाफट से जाते हैं। अरे ये तो आयरन मैन है, देख। अरे हाँ हाँ मैं आयरन मैन हूँ। अरे तू आयरन मैन नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं आयरन मैन हूँ, सही में मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर्स हैं। अरे सही में पावर्स है, दिखाइयो अपनी पावर। अरे जा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चल अपना काम कर। अरे चलो चलते हैं, ये तो ऐसे ही है नकली। अरे गाइस मेरे को अभी नकली माने लेकिन मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर है, बट गाइस अभी मैं इनसे ज्यादा बातें करूंगा नहीं, मेरे को यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। चलो गाइस चलते हैं यार गॉडजिला को ढूंढने के लिए। और गाइस फाइनली यार 2 घंटे के बाद मेरे को यहाँ पे गॉडजिला तो मिल गया। गाइस काफी ढूंढा मैंने इसको लेकिन ये यहाँ पे दिख गया है। अरे यहाँ पे क्या कर रहा है तू, कौन है तू? अरे मैं हूँ यार फ्रैंकल। अरे फ्रैंकल तेरे को तो मैंने कच्चा खाने के लिए रख रखा था, है ना? कहाँ है, जल्दी हैना को लिया। हैना को बाद में मारूंगा, पहले घुसा का तू। और गाइस आज इस गॉडजिला को मैं जान से मार दूंगा, ये ले और घुसा का। अरे क्या कर रहा है फ्रैंकल, छोड़ दे, ऐसा मत कर मेरे साथ। अरे ऐसा नहीं, आज तो तेरे को मैं जान से मार करूंगा, तेरी वजह से मेरी हैना के साथ बहुत गलत हुआ है। अरे हैना के साथ क्या हुआ मेरे को बता। अरे हैना के साथ बहुत कुछ हो गया, तेरे को क्यों बताऊं? गाइस कहां गया ये, ढूंढना पड़ेगा मेरे को इसको। अरे गाइस देखो यार मैंने मार दिया यार गॉडजिला को भी। गाइस देखो यार अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये पड़ा गॉडजिला। अब गाइस गॉडजिला भी खत्म हो चुका है और रेड हल्क भी खत्म हो चुका है। गाइस मतलब मैंने अपना पूरा बदला क्लियर कर लिया, गाइस हैना का मैंने बदला ले लिया है। अब काफी मजा आ गया गाइस, क्योंकि अब गाइस मेरे पास है यार ये आयरन मैन का सूट, मैं कुछ भी कर सकता हूं जहां मर्जी, ये सही होगा। लेकिन हां यार टोनी स्टार्क कभी तो आएगा यार इस सूट को लेने के लिए। चलो गाइस अब मैं फटाफट से जाता हूं अपने घर, क्योंकि गाइस मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं। ये लो गाइस भगते मैं अपने घर तो पहुंच गया। फटाफट से गाइस अंदर जाना है मेरे को और कुछ खाना पीना है और उसके बाद सोना है। अरे गाइस ये क्या, ये कौन आ चुका है? अरे मैं हूँ अपने गॉडजिला का दोस्त, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मारा है ना गॉडजिला को। अरे गाइस ये कौन आ गया यार, ये कौन नया आ गया? अरे गाइस ये तो यार गॉडजिला से भी बड़ा है, ये है कौन गाइस? ये पूरा लोहे का लग रहा है। गाइस इसे मैं मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा, मेरे को तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। अरे आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरा जो भी नाम है, तूने मेरे गॉडजिला दोस्त को कैसे मारा? अरे गाइस ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन गाइस मैं डरूंगा
मारूंगा नहीं, क्योंकि यार मेरे अंदर टोनी स्टार्क की काफी ज्यादा पावर्स है, तो मेरे को डरने की कोई जरूरत है नहीं। ये ले घुसा का गाइस, अभी से मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो यार इसकी पूंछ कितनी लंबी है यार, पूरे लोहे की बनी हुई है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले एक और घुसा का, और क्या कर रहा तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है। ये ले एक और घुसा का, पावर तो मेरे अंदर बहुत है, कहां चले गया। अरे मैं तो जा रहा हूं, मैं तो गलत बदला लेने के लिए आ गया। अरे ये तो गाइस डर के चले गया, ये तो बड़े उसमें आया था गॉडजिला का दोस्त, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अब गाइस चले गया घर, चलो सही है गाइस मैं तो बच गया। और गाइस अगर कभी ये आया, इसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन कभी मेरे से अगर ये दोबारा लड़ने के लिए आया तो कोई टेंशन नहीं गाइस, मेरे पास आयरन मैन का सूट है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। चलो गाइस मजा ही आ गया यार, लेकिन यार अपनी यार ऐना की बहुत ज्यादा याद आएगी, मेरे को पता नहीं कहाँ चली गई वो। तो गाइस आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो ऐना बची है या नहीं बची, वो है या नहीं है, या वो गाइस कुछ भी जो कुछ है वो सब आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट से अभी की अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना।